है, ये पूरी छानबीन करने के लिए क्या मामला है। और जैसे भी संकेत मिलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी के होते हुए उनको अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में घुस करके जो कैंप है उनको बर्बाद करने की कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, हम जानते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा में आने वाले हैं, सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं, उससे पहले इस तरह की जो है भयानक घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर भरोसा ये हमारे देश के जो है ना, ये देश में बैठे बैठे जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो दोस्ती रमन की बात करते हैं, मुझे पूरा यकीन है वो सब के अपने अपने एजेंडा हैं, और देश और सैनिक और भारत माता की परवाह उन लोगों को नहीं हो सकती है। मेरा ये मानना उस पाकिस्तानी के पहले आने के पहले सब इनकी साजिश है, ये सब देश को समझना पड़ेगा। जब जब ये ऐसा करते हैं तब तब ऐसा होता है। और जो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पता नहीं मुझे इनको बुलाया क्यों गया है, इनको कुछ नहीं देना चाहिए, ऐसों को तो बाइकॉट करना चाहिए कि पाकिस्तान शुड बी बाइकॉटेड टिल द टाइम दे एंश्योर दिस, और ये इन्होंने कर दिया है। मैं मेरा ये मानना है, जितना मेरा सेना का तजुर्बा है और जीवन का जो तजुर्बा है, कि ये गतिविधि बिल्कुल पाकिस्तान के विदेश मंत्री के हरकत को, इनके मूवमेंट को और विजिट को लेकर के है, और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इसके अंदर पाकिस्तान का तंत्र शामिल है। बिना मैं एनआईए की रिपोर्ट के मेरे तजुर्बे से बता सकता हूँ, पिछले 40 वर्षों से इन चीजों को देख रहा हूँ, और एनआईए के साथ साथ हमारे जो बाकी लोग भी, वो एक सुई पाकिस्तान की ओर जा रही है, आईएसआई की तरफ, डायरेक्ट टेररिस्ट की तरफ जा रही है। हमारे चीफ साहब ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि इन्फिल्ट्रेशन का खतरा बढ़ रहा है उस तरफ, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, एक्टिव हो रखे हैं। तो मैं मानता हूं ये बालाकोट जैसा एक नहीं होना चाहिए, अब ऐसा सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को जिस और उन उग्रवादियों को कि उनकी रूह कांप उठे अगली बार भारत की तरफ मुंह करने की भी सोचें, और जो देश के अंदर द्रोही है इनका इलाज हो जाएगा। पर ये पाकिस्तान से आकर के किसी ने नहीं किया, ये हमारे देश के अंदर से बैठे हुए उनके जो लोग बाग इधर बैठे हैं और उग्रवादी जो उन्होंने भेजे हैं उनका काम है। सर, हमारे साथ एक और रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल अनुपम जेटली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क में। बहुत ही दुखद घटना है ये, हमारे सैनिकों पर जो देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उनके ऊपर ऐसे ही अटैक हो गया, 5 जवान हमारे शहीद हो गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, घटना दुखद है मगर हर घटना से सबक सीखना चाहिए और उसके पीछे कारण क्या है उनके बारे में सोचना चाहिए। ये एरिया जो है रजौरी का, भिम्बर गली से पुंछ, बहुत सेंसिटिव एरिया है जी, एलओसी के बिल्कुल साथ में है जी। दूसरी बात, यहां पर विजिबिलिटी इतनी पुअर थी और इतना तेज बारिश हो रही थी कि गाड़ी चालक को और गाड़ी में बैठे लोगों को दूर तक 10-12-15 मीटर से आगे नजर नहीं आ रहा था, मौसम ऐसा था। तीसरी बात, हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी हालत में अकेली गाड़ी आर्मी की क्यों जा रही थी जी, राष्ट्रीय राइफल की गाड़ी थी, अकेली गाड़ी क्यों जा रही थी? अकेली गाड़ियां तो जाना प्रतिबंधित होता है ऐसे इलाकों में जी। अगर इसकी जो जिम्मेदारी ली है वो पीएएफएफ ने ली है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जी, ये जैश ए मोहम्मद की एक ब्रांच है, जैश ए मोहम्मद आतंकी ग्रुप बहुत मशहूर रहा है जी, और 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से ये जम्मू कश्मीर के एरिया में बहुत ज्यादा आतंक फैला रही है जी। हमें सोचना पड़ेगा कि इनके कौन से हैं जो कि स्लीपर सेल्स हैं, कौन से इनके लोग हैं जो इनको मदद कर रहे हैं जी। जिस तरह कहते हैं कि अगर आपको तालाब का पानी निकालेंगे तो मछली अपने आप काबू में आएंगी और मरेंगी, उसी तरह जब तक इन टेररिस्ट की सपोर्ट को हम जड़ से खत्म नहीं करेंगे, टेररिज्म जेएनके में खत्म होने वाला नहीं, या किसी भी जगह, खाली टेररिज्म नहीं, जो इंसर्जेंट्स हैं जो देश के 136 जिलों में है, जिनको हम नक्सलवादी कहें या किसी और नाम से पुकारें, ये इसीलिए है क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो धीरे धीरे जम रही हैं, और लोकल पॉपुलेशन, लोकल जो जनता है, कुछ भटके हुए लोग इनको मदद कर रहे हैं। अनुपम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे 2 रक्षा विशेषज्ञ जिन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर उंगली उठाई है जिनकी वजह से हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके ऊपर हमला होता है, और दोनों ने अपनी अपनी बात रखी।